ये जो कॉज है ये बहुत ही ज़रूरी है. जहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो जवान जवान बच्चे कभी सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे. लेकिन 10 में से जो सुसाइड्स होती हैं उसमें से 6 हाउसवाइफ्स होती हैं, और कहीं ना कहीं औरतों की संख्या ज़्यादा है सुसाइड करने का. तो एज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि ये बढ़ते जा रहा है प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं हम लोग क्लिनिकली इस डिप्रेशन को यू नो दे नॉट डीलिंग विद इट क्लिनिकली. तो ये एक नॉर्मल मतलब आम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अरे सुसाइड कमिट कर लिया, लेकिन ये एक एक्चुअली क्लिनिकल इशू है. जस्ट लेट देम जॉइन इन, नो प्लीज जॉइन इन, आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग. जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ऐसा एक बुक आना, वो भी एक डॉक्टर के जरिए लोगों तक पहुँचना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है. भैया आपका हो गया तो मैं बोलूँ यार. अरे शान रहो, ये शान रोल 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 शुरू करो यार. ये जिसको नहीं मिला ट्रांसफर ले बेटा. यू नो व्हाट, यू गिव दिस माइक टू सुमित. आप पीछे आ जाओ तो वो कैमरा वाले को जगह हो जाएगी. थोड़ा जगह बना दो, घुस जाना नीचे. ओके या चलो. तो प्लीज डोंट हिट ईच अदर, प्लीज डोंट फाइट, रिलैक्स गाइस, बिहेव योरसेल्फ्स. या मैम रेडी नहीं, इनको नई जगह मिली हो, पीछे धक्कम धक्की हो रही है. दो मिनट भैया, ये आपका नहीं यूज हो रहा है ना. रेडी, ओके ओके मैम स्टार्टिंग. सुमिता thank you so much for coming here, even though there was some time. I will not repeat, I will not, I'm sorry, I have to go, I'm very tired. Thank you so much for coming here. Some words for Anjali ji and the book. I think bahut zaruri tha ki aisi ek kitab logon tak pahunche, logon ke zariye pahunche. Ek doctor ke zariye likhi hui kitab bahut hi zaruri hai, kyunki agar aap statistics dekhenge to suicide ek bahut hi gambhir problem hai, jo ek aisi aam problem nahi hai, but has to be treated clinically. Ek clinical problem है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, जो लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं, चाहे छोटे यू नो बच्चे हों. आजकल आप देख रहे हैं एग्जाम में थोड़ा कम मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ी बाप की डांट पड़ जाती है, पिता की माता की डांट पड़ जाती है, तो एक ये गंभीर स्टेप उठा लेते हैं, जो मतलब अच्छी बात नहीं है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक एक जो एक होप जो मिलना चाहिए ऐसे केसेस में, अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6 जो संख्या है वो एक्चुअली औरतों की है जो सुसाइड कमिट करती हैं. आउट ऑफ द 10 सुसाइड केसेज दैट कम एंड दे आर मोस्टली हाउस वाइफ. सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि एक ऐसी किताब आए जो आपको एक होप दे, एक आपको स्टेप बाय स्टेप जो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको कैसे साइंस रिकग्नाइज करने चाहिए कि आपका कोई फैमिली मेम्बर डिप्रेस है, आपकी कोई दोस्त डिप्रेस है, उनकी आप कैसे मदद करें. सो दिस बुक का टाइटल सेज इट ऑल दैट डेथ इज़ नॉट द आंसर, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये पूरे कमरे में जब किसी के ऊपर भी हाथ रख दूँ ना, ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हों. तो और जिन्होंने लेकिन हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ लोग हैं जो अपने आप को समेट लेते हैं, उठते हैं और वापस चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो थोड़े वीक से होते हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स के से नहीं डील कर सकते, हार मान जाते हैं. तो ये एक सबकी ही लाइफ में ऐसे मुकाम तो आते ही हैं, किसी की ऐसी लाइफ नहीं है जो बिगनिंग से एंड तक खुशहाल ही रही हो. रवि, आप डिप्रेशन को कैसे मतलब ओवरकम करती है, आपके ऊपर कोई डिप्रेशन हो? ये बहुत ही लंबा आंसर है, एक बार जब साथ बैठेंगे तब. बट आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है टू रियलाइज के ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड जो आपको दिया है ऊपर वाले ने, आप वो अपने ब्लेसिंग्स गिनिए, ये कि जो आपके पास नहीं है. एंड जैसे कि मैंने कहा, आपके मैं तो ऐसे समझती हूँ कि ऊपर वाले ने एक छत दी है, सामने खाने थाली में खाना पड़ा है, पेरेंट्स का प्यार है, और क्या चाहिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, और ज़िंदगी में और क्या चाहिए किसी को. लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग आउट टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन ऑफ देयर्स, डू यू थिंक दिस इज एनकरेजिंग एंड विल सेट एन एग्जांपल? ऑफ कोर्स इट डज. आई थिंक एज सेलिब्रिटीज वी शुड बी एज ऑनेस्ट एंड एज ह्यूमन टू शो पीपल दैट सबको दर्द होता है. ऐसी बात नहीं है कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं हम पत्थर के बने हुए हैं. सबको दर्द होता है, सबको महसूस होती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे अपनी कठिनाइयों को फेस करते हैं.
Thank you so much, everybody.